ना गरीब बिहारियों के लिए आपके पास कोई व्यवस्था है, आपके पास करोड़ों फंड आ रहे हैं और जनता के देने के लिए कुछ भी नहीं है। ये सब क्या मजाक बना के रखा है आपने बिहार के जनता को? लॉकडाउन के बावजूद भी बिहार में बढ़ते आपराधिक घटनाओं पर बिहार मुक्ति मोर्चा पार्टी ने कहा बिहार में सरकार है ही नहीं। देखिए एक रिपोर्ट। तो समझ में ही नहीं आ रही है कि सरकार है कहाँ, सरकार किस चीज को कहते हैं, अभी तक तो हमको भी समझ में नहीं आ रही है। आज सुबह सुबह उठे, हम उठे क्या कि आंख भी नहीं मला तो हमको मधेपुरा से फोन आ गया कि हमारे एक साथी की हत्या हो गई है, परमानंद जी की। वो हमारे काफी करीबी थे, कई बार वहाँ सभा में भी वो आए थे, हमसे मिले थे, काफी अच्छे परिचित थे, अच्छे व्यक्तित्व के आदमी थे। ऐसे लोगों की हत्या हो रही है, आप बताइए कि कानून नाम का कोई चीज है? लॉकडाउन का मतलब क्या हो गया? इस तरह से अगर हत्या होती रहेगी, इस तरह से हमारे पान समाज और दलित महादलित लोगों की हत्या होते जाएगी, तो कौन सी सरकार सपना देख रही है नई सरकार बनाने की? ये सारे सरकार तो हमारे समाज को तो लूटने का काम कर रहे, मारने का काम कर रहे हैं। आज एक बलात्कार हुआ, आज महीनों हो गया, आज हमने मनेर थाना को, वैशाली जिला के मनेर थाना प्रभारी को हमने फोन किया, जनवरी में बलात्कार हुआ, घर में घुस के उसके संग चार पांच लोगों ने बलात्कार किया, FIR मुश्किल से लिखाया गया, आज जनवरी से लेकर अभी तक अरेस्टिंग तो दूर की बात, कभी वहां दबाव भी नहीं पड़ा। आखिर हम लोग की समाज की कोई इज्जत है कि नहीं है? क्या हम लोग का समाज कोई गरीब गुरबा मतलब बिहार की जनता का कोई अहमियत नहीं है? सरकार चाहती क्या है? गरीब को मारना चाहती है, उसको पैर तले रौंदना चाहती है? यही जनता गरीब आने वाले समय में आपको पैर तले रौंदेगी। थोड़ा इंतजार कीजिए, थोड़ा इंतजार कीजिए। आप जुल्म की आखिरी कील आप लोग ठोक रहे हैं ताबूत में, ये आखिरी कील आपकी हो रही है। ना आपको लॉ ऑर्डर पे कंट्रोल है, ना गरीब बिहारियों के लिए आपके पास कोई व्यवस्था है, आपके पास करोड़ों फंड आ रहे हैं और जनता के देने के लिए कुछ भी नहीं है। ये सब क्या मजाक बना के रखा है आपने बिहार के जनता को? ये जनता कभी आपको माफ करेगी?